नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिरंजीव बाइक पॉइंट में। दोस्तों हमारे पास एक गाड़ी है यामाहा FZ, जिसमें पिकअप की प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी में हो क्या रहा है दोस्तों, जब गाड़ी को भगा रहे तो गाड़ी खाली इंजन रेस हो रहा है, भाग नहीं रही, पिकअप नहीं ले रही है। तो इसमें क्लच प्लेट पूरा ख़राब हो चुका है, तो आज हम क्लच प्लेट को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका इंजन ऑयल खोल देंगे। इसको ऑयल हमें खोल देना है, नीचे बोल्ट खोल ऑयल निकल जाएगा अपना। दोस्तों के बाद ये ऊपर का हमने गेज खोल लेंगे, जिससे हम ऑयल डालते हैं आराम से इसको इस तरह से। इसके बाद 8 की टी पानी की मदद से हमें इसके कवर के सारे बोल्ट खोल लेने हैं, एक एक करके कुछ इस तरह से। ये सारा बोल्ट हमें एक एक करके खोल लेना है। ये सारा बोल्ट हमने पूरा एकदम ढीला कर लिया है, पूरा खोल लिया है। अभी इसको एक एक करके सारा बोल्ट निकाल लेंगे हम बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर ले लेंगे। और अभी हमें कवर को इस तरह से पकड़ना है, बाहर की तरफ खींचना है, और बहुत आराम से ये कवर हमारा बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये हमारा कवर बाहर आ गया, देख सकते हैं आप। अभी 10 के टी पानी की मदद से हम इसके क्लच के चार बोल्ट खोल लेंगे इस तरह से, एक एक करके चारों बोल्ट को खोल लेना है हमें। ये चारों बोल्ट हमने खोल लिया, अभी ये चारों बोल्ट और स्प्रिंग इसका बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने सब बाहर निकाल लिया, अभी ये पूरा सेट बाहर आ जाएगा अपना क्लच। अभी हमने क्लच सेंटर को बाहर लेना है, ये देखो पूरा सेंटर पूरा कट गया है इसका। ये हमें क्लच प्लेट को बाहर निकाल लेना है सब, एक एक करके। अभी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका लॉक खोलेंगे हम। इडनट के ऊपर लॉक किया होता है वाशर बैंड करके, उसको सीधा करेंगे, उसके बाद हम खोलेंगे इसको। अभी हम इसके अंदर लगाएंगे इसका कूलर क्लच पकड़। ये हमने इसको सेट कर लिया, और उन्हें इसको बॉक्स पाना लगाएंगे इसके अंदर और इसको खोलेंगे। ये हमने नट को इस तरह ताकत लगा के खोल लेंगे। ये हमारा नट खुल गया, अभी इसको हम हाथ से बाहर खोल लेंगे कुछ इस तरह से। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे, ये कूलर इसमें फंस गया, सेट आ गया बाहर, इसको बाहर हम निकाल लेंगे। देख सकते हैं वो सेंटर कितनी बुरी तरह से इसका कट गया है पूरा। अभी वाशर है, वाशर को बाहर निकालेंगे। ये रहा वाशर, इसका क्लच बेल को बाहर कर लेंगे हम कुछ इस तरह से। इसके अंदर एक पतला वाशर है, ये वाशर को हम बाहर निकाल लेंगे। अभी इसके अंदर दोस्तों एक बोल्स होता है, इसको निकाल के आपको, एक बोल्स और एक एक्सल होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम निकाल के आपको दिखाने के लिए निकाल रहे हैं। ये देख लेके आराम से निकालते, ये देखिए ये हमारा एक रॉड अंदर लगा होता है ये इस तरह का। अभी इसमें एक क्लच का सेटिंग बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट को हम खोल लेंगे इस तरह से, नट को खोलेंगे और उस तरफ से बोल्ट को बाहर निकाल लेंगे। इसका क्लच का सेटिंग जो होता है दोस्तों अंदर से ही होता है, इसको बहुत ध्यान से सेटिंग करना। अभी हमने क्लच को पूरा धो के साफ कर लिया है, और इधर आप देख सकते हैं हमारा। ये हमारा क्लच प्लेट हब सेंटर सब नए लेकर आए हैं हम, अब इसी को हम फिट करने वाले हैं, ये देख सकते हैं सब। ये इसका क्लच प्लेट है दोस्तों, इसके अंदर चार क्लच प्लेट, दो अलग और दो अलग होते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं अलग अलग पैकेट में है, दो अलग पैकेट में। ये हमारा हार्ड होता है, हार्ड वाला, ये नॉर्मल आता है। तो अभी हम इसको फिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक्सल लगाएंगे, और एक्सल आप देख सकते हैं जो हमने निकाला था रॉड, एक तरफ कट होता है, कट को हमें अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। ये इस तरह से हमें डालना है, कट अंदर तब जाएगा, इस तरह से सेट कर देना है। उसके बाद उससे ऊपर एक बोल्स लगता है छोटा सा, ये छर्रा लगता है, जो इसको हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारा सेटिंग हो गया। इसके बाद हमें ये जाली है दोस्तों, ये ऑयल को फिल्टर करता है। इसको जब भी हम क्लच खोलेंगे इसको साफ़ करके लगाना होता है, इसको हमने सेट कर लिया। अब ये हमारे एक पतला सिम्स वाशर, एकदम पतला वाशर, सबसे पहले हमें ये वाशर को लगाना है इस तरह से। उसके बाद हमें एक क्लच बेल लगाना होता है, क्लच बेल को हमें कुछ इस तरह से
ऐसा सेट कर देना होता है। हमने इसको इस तरह सेट कर लिया। अब इसके ऐसा वाशर है, कट वाशर होता है, इस तरह से अंदर अंदर कट मीनिंग बना होता है, उसको हमें इस तरह से सेट करना होता है। ये यहाँ पे सेट कर लिए और इसके बाद लगाना है क्लच का हब। क्लच का हब को हमें दोस्तों उसी तरह से एकदम सीधा इस तरह से इसके अंदर सेट कर लेना है। ये बाइक दूसरी बाइकों से थोड़ा अलग होता है। अब ये वाशर है, ये वाशर में लॉक बना हुआ था जो यहाँ पे लॉक कर लेता है। ये इस तरह से वहाँ पे लॉक कर इस तरह से सेट करना है उसको, और 19 नंबर का नट लगा के इसको टाइट करना होता है। ये 19 नंबर का इसका नट है, इसको हमें इस तरह से लगा लेना है। ये नट को हमें लगा लिया। अभी इसको हमें ये हमने लगा लिया है। अब इसको इस तरह से हमें इसको पुलर को सेट करना है इस तरह से कुछ ऐसा। हम पुलर को सेट करेंगे और 19 का बॉक्स पाना वापस हमें लगाना इस तरह से, और इसको हमें फुल टाइट करना है। ये इस तरह सेट कर लेंगे और इसको इस तरह से इसको फुल टाइट कर लेंगे। ये हमने इसको फुल टाइट कर लिया। अभी हमें इसका वाइसर को बैंड करके इसको लॉक कर देना है। जो हमने खोले थे जैसे वो इसी तरह इसको ठोक के इस तरह से इसको लॉक कर देना है नट को। इससे नट लॉक हो जाएगा अपना। ये यहाँ पर अपना नट को मैंने लॉक कर दिया। अभी ये नट खुलेगा नहीं। ये दो क्लच प्लेट है, जो एक उस साइड लगेगा और एक बाहर साइड लगेगा, और ये हमारे हार्ड वाले हैं जो बीच में दोनों रहेंगे। और अभी इसको सेट करके हम दिखाते हैं आपको। ये हमने दो क्लच प्लेट लिया है, एक हम एकदम पहले लगाएंगे इस तरह से, पहले लगा देंगे और उसके बाद प्रेशर प्लेट एक लगाएंगे। उसके बाद प्रेशर प्लेट लगाना, प्रेशर में तो एक तरफ बिल्कुल प्लेन है और दूसरी तरफ भी प्लेन है, लेकिन साइड में यहाँ पे साइड में ऐसा आएंगे इस तरह से, साइड में हल्का झुका हुआ है, झुका वाला अंदर की तरफ करना है, और जो प्लेन पूरा है प्लेन बाहर की तरफ हमें करना है। हमें ये इस तरह से प्लेन वाला बाहर की तरफ इस तरह से हमें सेट कर देना है। इसके बाद हमें हार्ड वाला एक क्लच प्लेट लगाना है इस तरह से। क्लच प्रेशर वापस हमें प्रेशर प्लेट लगाना है उसी तरह, प्लेन वाला बाहर करके लगाना है हमें। फिर वापस हमें एक हार्ड वाला ही क्लच प्लेट लगाना है ये इस तरह से। फिर वापस हमें प्रेशर प्लेट एक लगाना है कुछ इस तरह से, प्लेन ऊपर करके रखना है इसको भी। तो ये नॉर्मल वाला जो एक बचा के रखे थे क्लच प्लेट, उसको भी हम बाहर से इस तरह से सेट कर देंगे। अभी हमारा क्लच प्लेट चार क्लच प्लेट तीन प्रेशर प्लेट सेट हो गया। अभी ये हमारा सेंटर है क्लच सेंटर, इसका ये सेटिंग है सेट क्लच सेंटर में। सेटिंग को हमें इस तरह से सेट कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर से इसका ये वाशर लगाना है इस तरह, इसका वाशर लगा के वापस नट को ऐसा लगा देना है। अभी इसके ऊपर इस सेंटर को कुछ इस तरह से हमें सेट कर देना है कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर से इसका चार स्प्रिंग लगाना है, और ऊपर से इसका बोर्ड लगाकर ये बोर्ड लगाकर इसको टाइट कर लेना है सभी को। इसको हम एक एक करके टाइट करेंगे इसको इस तरह से, आमने सामने टाइट करना है एक एक करके। ये सारे बोर्ड हमने फुल टाइट कर लिए। हमें इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना है, और जहाँ पे हमारा टाइट हो रहा है वहाँ से हल्का खोल देना है। जहाँ टाइट हुआ वहाँ से हल्का खोल देना है और उसको वहीं पर नट को लॉक कर देना है इस तरह, लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमें इस तरह हिला के देखना है, फ्री रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्लच काम नहीं करेगा। अभी इतने पे हमें हमारा क्लच हो गया सेट। अभी हम क्लच दबा के इसको चेक करेंगे हमारा क्लच सेट हुआ कि नहीं। तो अभी हम क्लच को चेक करते हैं। यहाँ पर जाके एक क्लच हमारा बराबर है, काम कर रहा है। नीचे देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, ये देख सकते हैं क्लच हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। क्लच की सेटिंग सही हो गई है एकदम। अभी इसको अच्छे से हम लॉक कर देंगे, फुल टाइट कर देंगे एकदम।
है, मैंने इसको फुल टाइट पूरा कर लिया। अभी देख सकते हैं ऐसा फ्री रहना चाहिए, अगर ये जाम रहेगा तो क्लच काम नहीं करेगा। आपको भी टाइट करने के बाद, लॉक करने के बाद इस तरह से चेक करना है। अब क्लच अगर नस सेटिंग में आए तो केबल से, केबल की सेटिंग से सेटिंग कर लेना है अच्छे से। ये हमारा क्लच कवर में पैकिंग लगा हुआ है, पैकिंग बराबर है, हम पैकिंग नया नहीं डालेंगे। इसी पैकिंग में थोड़ा ग्रीस लगा देंगे और इसको फिट करेंगे। कवर को कुछ इस तरह से एकदम सीधा रखेंगे ऐसा, इस तरह से बहुत इजी फिटिंग हो जाता है अपना क्लच कवर। बैठ गया। अभी इसके सारे बोल्ट हमें फिट कर लेने हैं, जो बोल्ट हमको ने खोले थे इसके, एक एक करके सारे बोल्ट लगा लेने हैं। ये सारा बोल्ट हमने लगा लिया और इसको फुल टाइट कर लिया हमने, एक एक करके सारा बोल्ट टाइट हो गया। अब इसको ऑयल का बोर्ड लगा देंगे हम, ऑयल बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेंगे। ये हमारा ऑयल बोल्ट भी फुल टाइट हो गया। अभी हमें इसके अंदर ऑयल डालना है, इसका एक कुप्पी लगा लेंगे। और हमें ऑयल को इसके अंदर भर देना है। ये हमारा ऑयल डल गया इसके अंदर। इसके ऊपर से गेज लगा के हमें फुल टाइट कर लेना है इसको भी। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा हो गया क्लच प्लेट कंप्लीट। अगर आपको भी क्लच प्लेट चेंज करना हो तो कुछ इस तरह से आप क्लच प्लेट को चेंज कर सकते हैं।